Good evening to all my dear students. I welcome you all on my channel Shine in Law with Dr. Mithun. Today we are discussing the topic that is judicial activism. Now judicial activism ka matlab kya hai? So it is nothing but judicial law making. So law making ka function basically legislature ke paas hota hai, parliament ke paas hota hai. Lekin wo function jab judiciary take over karti hai तो वहाँ पे हम एक्टिविज़म देख सकते हैं. सो एक्टिविज़म से ही हमें समझ में आता है दैट दिस इज़ द एक्टिविस्ट रोल प्लेड बाय द जुडिशरी. नाउ इन दिस जुडिशल एक्टिविज़म वी आर रिकॉग्नाइजिंग जुडिशल एक्टिविज़म विद द टर्म्स लाइक जुडिशल क्रिएटिविटी और जुडिशल डायनामिज़म और जुडिशल रिव्यू. सो जुडिशल एक्टिविज़म ये टर्म से भी जाना जाता है. तो इसे जुडिशियल डायनामिज्म भी बोल सकते हैं, इसे जुडिशियल क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी बोल सकते हैं. नाउ एक्चुअली ये है क्या? सो ये एक अनकन्वेंशनल रोल ऑफ कोर्ट्स इसे बोला जाता है. तो जहाँ पे कोर्ट जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करता है, एक इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट करता है ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड इन दिस प्रोसेस they are deviating from the traditional self-restraint and passive interpretation of the law. तो traditional manner में courts को हम देखते हैं कि they suppose to interpret the law. लेकिन judicial activism में they are in a very manner of reformist interpreting the law or they are innovating the law itself. और उसे हम judicial activism बोल सकते हैं. तो जहाँ तक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मैनर में हम देखते हैं कि जजेस और द जुडिशरी सपोज टू फॉलो द रूल ऑफ प्रेसिडेंट और द कंसेप्ट ऑफ स्टेयर डिसीसेस, रूल ऑफ स्टेयर डिसीसेस. लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में हम देखते हैं कि दे आर डेविएटिंग फ्रॉम दीज ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड दे आर समथिंग लाइक दे आर देमसेल्व्स मेकिंग द लॉ, डिसाइडिंग द मैटर्स इन अ वेरी एक्टिव मैनर. तो उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं. नाउ जहाँ तक उपेंद्र बख्शी द वेल नोन ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ही सेड दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर विच सिक्स फंडामेंटल रिकोडिफिकेशन ऑफ पावर रिलेशंस अमंग डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट मैन बाय मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लासेस. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में जो कोर्ट्स का जो रोल है वो एक ऐसा एक्टिव रोल है जिसमें जो मार्जिनलाइज लोग हैं और मार्जिनलाइज क्लासेस हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जब जुडिशरी सामने आती है एंड जो प्री डिटरमाइंड लीगल प्रिंसिपल्स हैं या स्टैट्यूटरी नॉर्म्स हैं उससे कहीं आगे जाके जुडिशरी इनोवेटिव मैनर में जजमेंट देने का काम करती है, जजमेंट पास करती है, तो उसे हम एक्टिविज़म बोल सकते हैं. नाउ जब जर्नी शुरू हुई है 1950 से इन रिगार्ड्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी अंडरस्टैंड दैट कि इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दोज ईयर्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी अंडरस्टैंड कि जुडिशरी वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड दे वेर अडॉप्टेड द ट्रेडिशनल अप्रोच इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो उनका जो अप्रोच है वो पार्लियामेंट के जो ओपिनियंस है, जो पार्लियामेंट के जो नॉर्म्स है उसके बेसिस पे ही वहाँ पे डेवलप हुआ था. और इसको हम इन द वेरी वेल नोन केस ऑफ ए के गोपालन, वो जो केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, उस केस में हम देख सकते हैं कि जिसमें पार्लियामेंट ने क्या किया था, दे रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट बाय अडॉप्टिंग द एक्टिविस्ट रोल दे एक्सेप्टेड इम्प्लाइडली इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वेरी कंसेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. एंड सो राइट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी अंडरस्टैंड in article 21 there are so many fundamental rights we started to recognize and that is something we understand as a activism
dynamism or the creativity of judiciary in our legal system. Now, so जब Indian context में हम बात करते हैं तो initially judicial activism जो है वो limited था, क्योंकि constitution जो है हम मानते हैं कि elaborate constitution है, lengthy constitution है, and in this elaborative explanatory constitution बहुत सारी provisions जो है वो complete manner में वहाँ पे constitution में दी गई है, और इससे judiciary को ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता है. They simply have to refer these provisions and they have to interpret these provisions. And so, in Indian context, we understand that there are very limited scope for the concept of judicial activism or for the concept of judicial creativity. Now, लेकिन जब हम आगे जाते हैं in 80s, we understand that the judges like Justice Krishna Iyer, O. Chinnappa Reddy, P. N. Bhagwati, ये जो judges हैं ये एक active role play करते हैं, and from these judges actually the concept of judicial activism got momentum in the legal or judicial history of India. And from that point we understand that the various judgments we could refer, which are nothing but the very landmark judgments in regards with the judicial activism. So Sunil Batra versus Delhi administration in regards with the inhuman treatment in jails to the prisoners or the inmates. Now in this journey, by the development of these kinds of judgment, we understand that the tool like public interest litigation, that also got popularity. And in India, we understand that there are so many judicial judgments taken place right from that particular Maneka Gandhi till now, in which with the instrument of public interest litigation, judiciary started to legislate actually. तो judiciary ने क्या किया है, यहाँ पे parliament की जगह ले ली है, and parliament से जैसे वो law making का काम करते हैं वैसे ही courts ने यहाँ पे जो vacuum है, जो gap है, जो parliament नहीं कर सकता है या पार्लियामेंट ने किया नहीं है, उसको जुडिशरी ने क्या किया है, विथ देयर जुडिशल एक्टिविज्म दे एक्चुअली स्टार्टेड टू मेक द लेजिस्लेशन. एंड सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, व्हेन वी टॉक्स अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिव रोल जो है वो कोर्ट्स ने प्ले किया है. इन द सेम मैनर जो राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस है, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ऐसे जो केसेस हैं इसमें भी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट ने जो है एक जुडिशियल क्रिएटिविटी यहाँ पे डेवलप की है, एंड दैट इज समथिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म. सो आई होप इन शॉर्ट आपको जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा. ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर इसको शेयर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.